हेलो, आज हम बना रहे हैं फ्री स्केच, फ्री स्केच, रैपिड स्केच। इसमें कोई कोई बस इसमें हम फ्री हैं, कोई रूल नहीं, कहीं कुछ नहीं। रूल क्या, अरे बिना रूल के तो कहीं कुछ होता नहीं है। मतलब हम फ्री फ्री फ्री। आज हमारा जो पेंसिल है ना, किसी बाउंड्री में नहीं है। यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो, नथिंग। इट विल डांस टुडे, सो आवर पेंसिल इज इट मूड टू डांस एंड वी विल ऑल्सो। किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी क्रिएटर जो भी इस फील्ड में है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्केच तो बनाते ही रहे, चाहे वो कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। और इसके लिए है ज़रूरी कि बस हमें फ्लो में बढ़ते जाना है, और बस देखना है कि हमारा पेंसिल का कर्व कहाँ है, कैसे है। इरेजर का यूज़ नहीं करना। और सबसे पहले सपोज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे फास्ट करें, ताकि ये हमारे हमारे लिए एक प्रैक्टिस वर्क है, और इसे हमेशा करना ज़रूरी है। कोई भी आर्टिस्ट, बड़ा है, छोटा है, न्यू है, वो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो हाथों में जंक लग सकते हैं। जो भी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बस इसमें हमारा जो प्रोपोर्शन है वो सही होना है, कहाँ पर क्या कट है, कैसे है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, बट देख के लगना चाहिए कि हाँ साहब, जब हम इसके डिटेल्स में जाएं तो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जानी चाहिए। और सपोज ये है, ऐसे है, घुटना यहाँ है, घुटना का कर यहाँ है, तो हमें सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कैप्चर कर लेना है। मेरे सर बोला करते थे कम से कम 10 तो एक दिन में बनाया ही करो, तो उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन इतना है कि करना है। कभी अकेले भी हो जाता है, और कभी जब स्टूडेंट्स बैठते हैं तो उनके साथ भी, उनको सिखाने के क्रम में भी हो जाता है। लेकिन यह एक मस्ट है, इसके इसको करना बहुत ज़रूरी है। और आर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका जो असली गुरु है ना, वो आप ही हैं। हाँ, गुरु ये बता देगा कि कैसे करना है, बट चीज़ें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, यू कैन बेटर डिसाइड। सो सपोज कोई चेहरा ही हम बनाए, खुद तो समझ में ही आ ही जाता है ना कि इसमें क्या गलती, नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, जो भी है उसकी गलती हमें समझ में आ जाती है। बस इसका जो मेन चीज़ है, दैट इज़ योर प्रैक्टिस, और कैसे करना है एक बेटर गाइडेंस, दैट्स ऑल। क्योंकि हम भटकते रह जाते हैं बिना गाइडेंस के। बस मैं कुछ नहीं, बस जहाँ पर ये डार्क डार्क से, जहाँ जहाँ पर जो डार्क लाइट ऐसा है, बस मैं उसको कवर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हर इंसान को आर्ट करना चाहिए। अगर मैं खुद को देखूं, मैं जब भी ये करती हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड, बहुत खुश, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम इसमें कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। सपोज़ अगर रात को हम कुछ आधा अधूरा कुछ काम करके सो गए, सुबह में इस बात की जल्दी रहती है कि चलो जल्दी से सब कुछ निपटा के बैठते हैं, तो नशा है। और
हर इंसान का अलग अलग नशा है, मतलब सबका अपना अपना फील्ड है, और जो भी काम करता है उसको उससे प्यार करना ज़रूरी है। जब हम अपने फील्ड से प्यार करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। सॉरी मैं बातें भी कर रही हूँ, इधर फोकस भी करना है, सो आई डोंट नो कभी कभी मिस्टेक हो रहा है क्या बोल रही हूँ, बट ये ज़रूरी है, हर बच्चे को सीखना चाहिए। मेरा तो सजेशन है बड़ों को भी सीखना चाहिए, वो कितना रिलैक्स फील करेंगे उनको नहीं पता। लेकिन आजकल तो मोबाइल है सबका दादा, उसी ने जगह कैप्चर कर लिया है, कोई कोई काम नहीं है तो भाई चलो थोड़ा सा शॉर्ट्स चला लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं। सो हम पर मशीनें हावी हो चुकी हैं। सो इट इज आई थिंक इट इज गुड। ये है पैर ऑलमोस्ट, इसका ये से हमें पहले से मेज़र कर लेना है। जैसे सपोज ये जो इसका फुट है, तो अगर हम मेज़र कर लेंगे उसके बाद हम डिटेल में जाएं ना जाएं, दैट्स आवर ओन चॉइस। तो अभी एक बड़ा काम हो गया कि हमने ऑलमोस्ट ड्राइंग कर ली, जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा सा पेंसिल चला देते हैं। ये जेब में कुछ है, ये बहुत मज़ेदार होता है, और इसमें पेंसिल बस डांसिंग 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 डांसिंग। बस जहाँ डार्क है मैं उधर बस पेंसिल चला रही हूँ। पर ऐसे कुछ है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, अगर हमारा पेंसिल लाइट ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर लाइट रहता है तो फिर बाद में उसमें जो भी करेक्शन के चांसेस बनते हैं वो आराम से किए जा सकते हैं। सो बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा इसमें दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक ये कैसे होगा, छोड़ो ये भी कुछ ऐसे ही होगा। चलो ये हमारा इमेजिनरी फुट है। अगर हम चेहरे पे आए सबको मन करता है मैं पोर्ट्रेट बनाना। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनका उनकी पहली ख्वाहिश होती है मुझे बड़ी सी सीनरी बनानी है, मुझे पोर्ट्रेट बनाना है। बेशक बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा खुद के लिए, हम बहुत अच्छा अच्छा बहुत बेटर बेटर बनाएंगे। बस यहाँ पर भी हम बस 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 चेहरे का प्रोपोर्शन ओके, जैसे ही है सही है, ऐसे है ऐसे है। अगर हम ऐसे ऐसे करने लगे ना तो हमारा इसके बाद है यहाँ से यहाँ जो जो डार्क एरिया है ना, अगर हम उसी को कैप्चर करें तो बहुत हद तक चीज़ें हो जाएंगी। मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने यहाँ पर डार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फेस है, फेस ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बने तो सही बने, ना तो ना बने।
देखो गुड़िया, अभी हम तुमको बहुत अच्छे से नहीं बना रहे, तुम जो भी है इधर का एरिया डार्क होगा क्योंकि लाइट इधर आ रही है, और बाल थोड़े से ऑलमोस्ट दिस इज डन। इसे हमें बहुत नाक मुँह पैर वगैरह नहीं बनाना है। अगर हम अगर थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो जैसे ये शर्ट है, ये भी शर्ट है, यहाँ इस यहाँ से ड्राइंग का सबसे जो पहला स्टेप होता है दैट इज लाइन। हमारा लाइन कंट्रोल्ड है तो बहुत सारी चीज़ें ओके है। यहाँ से ऐसे जा रहा है, जैसे है थोड़ा सा वाइड है, और यहाँ से यूँ है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन। ये प्रैक्टिस है, हम सबको जो भी आर्ट लर्नर्स हैं, जो भी सीखने जो भी इंटरेस्टेड है उनको ये चीज़ करते रहना चाहिए। सामने कुछ भी दिखे जो आपको पसंद आता है, जस्ट जस्ट डू 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 एंड डू इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू। आपको भी जो भी अच्छा दिखे, जो भी आपको मन करे, ज़्यादातर चैलेंजिंग बॉडी पोस्चर होता है तो बस देखें और शुरू हो जाए। थैंक यू टाइम देने के लिए।